is my very very close friend Noman Javed. Assalamualaikum. वालेकुम How are you? अस्सलाम. I'm good, Ravi. यार How are you? तुम्हारे बाल देखकर ना मुझे थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन चलो चलो मेरे काफी हैं, बहुत सारी ख्वातीन को कम्प्लेक्स. बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स. तुमने तो कटिंग करा ली थी. कटिंग थोड़ी सी कराई थी, बट समहाउ दी अदर, जब बाल छोटे भी कराने जाता हूँ तो लोग कहते हैं नहीं भाई आपके बाल नहीं हमें काटने. हाँ तो ना कटवाओ ना, इतने सिल्की ऐसे बाल किसी खातून के हों तो वो तो मर जाए बेचारी खुशी से कि हाय अल्लाह मेरे इतने अच्छे बाल. इसलिए नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं औरतें जिंदा रहें. अच्छा तो कैसे हो? मुझे तो आपका सफर जो है वो शुरू से चुके हम लोगों ने बड़े हम बड़े exactly, पुराने दोस्त हैं yeah. तो मुझे तो पता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्पेशली गर्ल्स, बहुत सारी आपकी बहुत फॉलोअर हैं और आपकी बहुत फैंस हैं, तो वो जानना चाहती हैं कि नुमान आया कहाँ से. यू नो ही केम ही सॉ एंड ही कंकर्ड. ये क्या हुआ था सीन? कुछ भी नहीं, एज यू नो इवन we have been friends, in fact when I was not even famous. Yeah, I know. The thing is it just happened. I think this is life. I was struggling for a very long time and I composed a song called Dard e Tanhai Mein. Nahi, usse pehle tumne jo struggle kiya, kahan kahan pe gaye, kaise struggle kiya, I really want to know everything. Ha, dard bhari dastaan. Okay. Growing up I always wanted to be a doctor. Mera hamesha se yehi dil tha ki main doctor banu, and but somehow or the other my family is a very business oriented family and I could not continue with my studies. And I had to quit studies. और उसके बाद क्या हुआ? Of course. But then I became. बच्चे तो खुश होते हैं यार जान छुटी पढ़ाई से. नहीं, but I wanted to help people. I've always been this क्या बोलते हैं उसको, फलाही काम करने के अंदर, लोगों की help करने के अंदर. NGO तो नहीं बना रहे? नहीं अभी नहीं, but inshallah hopefully. हाँ चल बना लो यार. तो I always wanted to help people and somehow that dream was taken away. और जब वो हुआ तो I went into a very rebellious phase. और जब उस फेज में मैं गया, रिबेलियस अपने से कि लोगों से? नहीं, विद इन, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्टेड टू मेक नो सेंस एट ऑल. तो जब मुझे कहीं से कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं मिली, एंड देन आई वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव. आई हैव ऑलवेज बीन दिस क्रिएटिव पर्सन. आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर सो दैट आई कुड डू इंट्रोड्यूस न्यू मेडिसिन, न्यू वेज ऑफ हेल्पिंग पीपल, यू नो, लाइक कुछ नया इन्वेंट. अच्छा नहीं, मैंने डराओ नहीं, नुमान सोचो नुमान टीका लगा रहा है. उफ अल्लाह, वैसे कांपते हाथों से. इतना हैंडसम डॉक्टर होता तो तुम्हारी तो वैसे मरीजों की लंबी लाइन होती. anyway. लड़कियों का तो फौरन आराम आ जाता. उन्हें बगैर टीके के आराम आ जाते. कहते बस देख लिया हमें आराम आ गया. अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा, और व्हेन दैट हैपेंड तो आई वेंट इनटू दिस डार्क काइंड ऑफ फेज. आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, वेरी इमोशनल. दैट आई नो. तो उसके बाद आई जस्ट कुड नॉट टेक इट एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जिसके अंदर से मेरा अपना आप बाहर आ सके. सो आई वॉज अ वेरी गुड लिसनर फ्रॉम द डे वन. मैं हमेशा से बहुत अच्छा म्यूजिक सुनता था, बहुत सुलझा हुआ म्यूजिक सुनता था. आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ही लिसन टू सम रियली गुड म्यूजिक.